वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ शेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर ये देखो गुजरात सिद्धि सीमेंट है, तो इसका जो प्राइस है ये करीब 53 रुपये 80 पैसे इसका प्राइस है और आज की डेट में इसने करीब 3.4% हाई पे अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब इसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। देखो किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है, पैनी स्टॉक है ये, आपके सामने था। अब एक बार देख लेते हैं इसके फाइनेंस को। देखो जो इसका फाइनेंस है 2018, 2019, 2020, 2021, देखो लास्ट ईयर थोड़ी कमी आई है पर ओवरऑल ठीक है इनका, कोई बहुत छोटी कंपनी है। तो इसकी नेट इनकम देखते हैं। देखो कंपनी प्रॉफिट में है, 2019 में कंपनी घाटे में थी, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हुई है। 2020 में कंपनी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आई है, और 2030 में जो उसमें कमी आई है वो कोरोना का इफेक्ट हो सकता है, काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। पर एक बार देख लेते हैं इसमें होल्डिंग देख लेते हैं एक बार। देखो जैसी होल्डिंग के ऊपर आए हैं, सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर के पास 70% होल्डिंग है। ठीक है, पैनी स्टॉक है तो म्यूचुअल फंड में कोई खास होल्डिंग होगी नहीं। ठीक है, पर थोड़ी थी जो भी थी म्यूचुअल फंड वो भी निकाल चुका है इसमें से। डीआई की होल्डिंग देखते हैं हम, डीआई की भी देखो ना के बराबर होल्डिंग है। एफआई भी अपना पैसा निकाल चुका है इसमें से। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग रिटेल के पास। अगर ग्रोथ की बात करोगे ठीक है, तो कोई इतनी देखो कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, आने वाले टाइम में देखो सीमेंट के सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपनियों को। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप कहोगे ग्रोथ की बात, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में देखो एक जेन्युइन ग्रोथ होगी, स्लो उसमें ग्रोथ होगी, कोई एकदम नहीं है कि बहुत वो होएगा। ठीक है, पर अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो उस हिसाब से कंपनी ठीक है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड मतलब अगर ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई पैनी स्टॉक आप देख रहे हो, अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हो, पैनी स्टॉक में पैसा लगाता है, तो उसके लिए ट्रेड के अकॉर्डिंग ये शेयर ठीक है। पर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो स्लो ग्रोथ है पर ग्रोथ होगी इसमें। अब एक बार इसके ना लेवल देख लेते हैं हम। देखो यहाँ आपके सामने शेयर ऑल टाइम पीक पे इस समय, अगर इस समय आप बाय करना चाहते हो ठीक है, तो देखो रिस्क तो होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, पर 50 रुपये का जो इसका ना आप 50 तो फिर भी ज़्यादा है, 50 रुपये से अगर ब्रेक करता है तो इसमें काफ़ी डाउन साइड है, बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो 52 का ही SL इसमें रखे, जो इसमें ट्रेड करना चाहता है। अपसाइड देखो ऑल टाइम हाई है, तो आराम से हम लेवल कह सकते हैं। अगला इसका टारगेट है 55+ का टारगेट है इसका। ठीक है, 55+ के ऊपर सस्टेन होएगा तभी आपको 60 का टारगेट मिल सकता है, ये हमारा टारगेट है। और शॉर्ट टर्म का SL हमारा 52 है। अगर एक स्ट्रॉन्ग SL होता है, अगर यहाँ से अगर ब्रेक करे तो बहुत बड़ी गिरावट आई, वो है इसका 50 रुपीज़।